नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। ईपीएफ पर आयकर के मुद्दे का समाधान किया जाएगा, जेटली। आम बजट में कर्मचारी भविष्य निधि पर आयकर के प्रस्ताव को लेकर उपजे रोष को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को लोकसभा में आश्वासन दिया कि बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान लोगों की चिंताओं का समाधान कर दिया जाएगा। प्रश्नकाल के बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रोफेसर सौगत राय ने ईपीएफ पर आयकर लगाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कर्मचारियों की धरोहर राशि पर आखिर कर कैसे लगाया जा सकता है। प्रोफेसर राय ने जब ईपीएफ का विषय तो वित्त मंत्री जेटली खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे का बजट पर चर्चा के दौरान समाधान कर दूंगा। भारत पाक सीमा पर लेजर वॉल। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें एक लेजर वॉल लगाया जाना भी शामिल है। लेजर वॉल लगाना सीमा सुरक्षा बल द्वारा किए गए संगठित उपायों में से एक है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा लेजर प्रौद्योगिकी को विकसित कर विभिन्न स्थानों पर इसका प्रयोग किया है। वर्तमान प्रौद्योगिकी को नदी क्षेत्रों की सुरक्षा करने में सफल पाया गया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में जहां बाड़ नहीं लगाई जा सकी है, वहां सरकार ने रडार, सेंसरों, कैमरों, संचार नेटवर्क तथा कमांड एवं नियंत्रण को एकीकृत रूप से स्थापित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के डांस बारों में नहीं लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए डांस बारों को लाइसेंस देने के लिए राज्य पुलिस द्वारा लगाई गई सीसीटीवी कैमरे संबंधी शर्त को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में इस शर्त को खारिज किया कि डांस प्रदर्शन के लाइव सीसीटीवी फुटेज होने चाहिए, जो क्षेत्र पुलिस को दिए जाने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से डांस बार मालिकों को संशोधित शर्त के अनुपालन के बाद 10 दिन के भीतर लाइसेंस प्रदान करने के लिए कहा है। सीआईएसएफ जवान ने अपने दो सहकर्मियों को मार डाला। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक बिजली संयंत्र में तैनात सीआईएसएफ के एक जवान ने गोली मारकर अपने दो सहकर्मियों की हत्या कर दी। घटना में जवान और उसकी गर्भवती पत्नी घायल हो गए। पाटिल ने बताया कि मध्य प्रदेश के रहने वाले गौड़ की इससे पहले भी पीड़ितों के साथ स्पष्ट कहासुनी हुई है। अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी के बाद गौड़ ने ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल बलवान बाजे सिंह को अपना मुंह बंद रखने की धमकी दी थी। मृतकों की पहचान एएसआई बालू गणपति शिंदे, कवाथे महाकाल तालुका के मलंगाव जिला सांगली और रजनीश पी निवासी केरल के रूप में हुई है। भारत के लिए मेरे दिल में है विशेष स्थान बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि भारत के लिए उनके दिल में विशेष स्थान है और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर नई दिल्ली से अपने राजनयिक करियर की शुरुआत करने का विकल्प चुना था, जिसे उन्होंने एक महत्वपूर्ण और साहसिक तैनाती के रूप में देखा। नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन पर व्हाट आई गेन्ड फ्रॉम चूजिंग द रॉकी रोड शीर्षक से पोस्ट किए गए एक लेख में बान ने कहा कि दक्षिण कोरिया में कूटनीति में स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उनके पास पहली तैनाती के लिए दुनिया की उन राजधानियों में से किसी भी एक राजधानी को चुनने का विकल्प था जहां उनके देश के दूतावास हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा कि प्रवेश स्तरीय कनिष्ठ पेशेवर के रूप में मैंने जानबूझकर नई दिल्ली में तैनाती का विकल्प चुना। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।